नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसे स्थान पर जहाँ से मैंने अपने YouTube की पहली वीडियो बनाई थी, पहला व्लॉग बनाया था, जिसका नाम है गरुड़ चट्टी, जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों, अभी मैं गरुड़ चट्टी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं सामने गरुड़ चट्टी का पुल, जो कि गंगा जी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे गरुड़ चट्टी का नाम गरुड़ देव के एक प्रसिद्ध मंदिर पर पड़ा है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और आज हम उसी मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। दोस्तों, गरुड़ चट्टी में एक फेमस वाटरफॉल भी है, जिसको देखने के लिए फॉरेनर और हमारे भारतीय सैलानी भी आते हैं। उसकी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ गरुड़ चट्टी, जो कि तपोवन से रास्ता आता है। गरुड़ चट्टी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ तपोवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस पुल पर दुपहिया और चार पहिया वाहन दोनों चलते हैं, जो कि बद्रीनाथ हाईवे से होकर नीलकंठ मार्ग को जाता है। गरुड़ चट्टी में 4 से 5 छोटे बड़े भोजनालय हैं, जहां पर खाने पीने की सारी चीज़ें, कन्फेक्शनरी का सारा आइटम मिल जाता है। जो नीलकंठ यात्री होते हैं, वो यहां नाश्ता पानी करके अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, यहां पर राफ्टिंग के भी 2-3 ऑफिस है, जहाँ पर आप राफ्टिंग बुक करवा के उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं गंगा जी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है बारिश के कारण, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर राफ्टिंग सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। यहीं पर ब्रह्मपुरी से राफ्टिंग स्टार्ट की जाती है, जो कि आगे रामझूला से होके वहाँ पर समाप्त की जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाता हूँ आपको मंदिर के कुछ अच्छे नज़ारे। दोस्तों, मैंने गरुड़ चट्टी का पुल क्रॉस कर लिया है और मैं आ गया हूँ गोल चक्कर में, जहाँ से मेरी दाईं ओर लक्ष्मण झूला को रास्ता जाता है और मेरे ठीक सामने ये नीलकंठ का रास्ता है। दोस्तों, मैं अभी नोटियाल कोल्ड ड्रिंक्स पर खड़ा था, जो कि नोटियाल जी की एक प्यारी सी दुकान है, जहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े भी है, और वहाँ पर आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मण झूला की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको पहली दुकान रुद्रा मैगी पॉइंट पड़ेगी, वहाँ पर भी आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी गरुड़ देव के मंदिर की तरफ। रोड की दाईं ओर यहाँ पर एक छोटी सी पुलिस चौकी भी है, और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं गरुड़ चट्टी पुल का एक मनमोहक दृश्य, और इसके ठीक सामने बद्रीनाथ हाईवे है। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको गरुड़देव मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि बड़ा रमणीक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं गरुड़देव मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर गरुड़देव जी के ऊपर भगवान श्री विष्णु विराजमान है, और यह मंदिर उत्तराखंड का इकलौता गरुड़देव का मंदिर है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मंदिर के गर्भगृह में, और आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं गरुड़देव भगवान की एक प्यारी सी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों, यह मंदिर पर्यटकों से अभी इतना रूबरू नहीं हुआ है, लेकिन जो भी पर्यटक या सैलानी यहाँ पर नीलकंठ के लिए आते हैं, उनकी नज़र यहाँ पर ज़रूर पड़ती है, और यहाँ पर माथा टेकने और मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। दोस्तों, लेकर चलता हूँ मैं आपको मंदिर के आगे, एक हनुमान जी की प्रतिमा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं हनुमान जी की प्यारी सी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर के चारों ओर एक प्राकृतिक स्रोत का प्यारा सा कुंड बना हुआ है, जहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है।
आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर के कुंड में कितनी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ विचरण कर रही है। इन मछलियों के अलावा यहाँ पर केकड़े कछुए भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ऋषिकेश से करीब 10 किलोमीटर आगे और नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर पहले पौड़ी जिले में यहाँ प्राचीन गरुड़देव मंदिर मौजूद है। इस स्थान को गरुड़ चट्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गरुड़देव का प्राचीन मंदिर विराजमान है। बताते हैं कि ऋषि के एक श्राप से मुक्त होने के लिए गरुड़ भगवान ने इस जगह पर कठोर तपस्या की थी। इसके साथ ही अतीत में चार धाम जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए यह स्थान विश्राम की जगह भी हुआ करता था। मणिकूट पर्वत पर बसा यह मंदिर कालसर्प दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है उसे यहाँ पर गरुड़ भगवान की पूजा करने से दोष के प्रभाव में मुक्ति मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक हवन कुंड, जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है वहाँ यहाँ पे हवन करवा के भगवान गरुड़ देव की पूजा करवाता है, जिसके पश्चात उसका कालसर्प दोष का निवारण हो जाता है। दोस्तों यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊँगा और वहाँ के दर्शन भी मैं आपको कराऊँगा। वहीं से आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है जो कि बहुत ही प्राचीन गुफा है, झिलमिल गुफा के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। उसकी भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ये जगह पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मेरी वीडियो में अच्छा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से ही प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।